जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र को ऐसी ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। और इसी प्रकार से मैंने आपको पीएच मान भी की ट्रिक भी बताई है, एसआई मात्रक की ट्रिक बताई, और बहुत सारे वीडियो ट्रिक की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। तो दोस्तों जो भी हमारे नए साथी हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबाना है। अब आप आज के बाद आप गुणसूत्र कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों आपको बताना है चावल मटर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं? 24 होते हैं। एक बार की बात सुनो दोस्तों, मेरी बीबी ने कहा कि आज हम चावल टमाटर बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। दोपहर में मैंने कहा कि क्या बना रहे हैं, तो चावल टमाटर बना रहे हैं। फिर शाम को बोला तो क्या बना रहे हैं, चावल टमाटर बना। मैंने कहा 24 घंटे चावल टमाटर क्या लगा रखा है, तो चावल टमाटर ये क्या लगा रखा है 24 घंटे, तो चावल टमाटर का गुणसूत्र कितना होगा 24, ठीक है। क्योंकि क्या बन रहा है, 24 घंटे चावल टमाटर बन रहा है, ठीक है। तो 24 आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आम और चूहे का गुणसूत्र, आम और चूहे का गुणसूत्र कितना होता है, 39, 40, 42 या फिर 41, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40। कितना होता है? 40, ठीक है। अब दोस्तों आप एक चीज बताना, आम कितने रुपए किलो होते हैं? लगभग 40 रुपए किलो होते हैं। और आप एक किलो आम 40 रुपए के खरीद कर लाए और घर पर आके रखा, और ये चूहा जो आपको दिख रहा है ये पूरा आम आपके खा गया, ठीक है। तो आप कितने रुपया के लाए थे? 40 रुपए के लाए थे, और आम खा गया चूहा। कितने रुपए के? 40 रुपए के। तो आम का गुणसूत्र भी 40 हो गया, और आम 40 के खाए तो चूहे का गुणसूत्र भी कितना हो गया? 40 हो गया। अब आपको याद भी हो गया कि आम का गुणसूत्र 40, तो चूहे का गुणसूत्र भी 40 ही होगा, क्योंकि आम तो चूहा खा गया, ठीक है। इसलिए आपको याद करना है, बिल्ली शेर और टाइगर में गुणसूत्र होते हैं। अब दोस्तों आपने देखे होंगे बिल्ली शेर और टाइगर ये सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं, अब इनके गुणसूत्र कितने होते हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 38। कितने होते हैं? 38। अब जब आप 38 लिखते हो तो आप बोलते ना कि टाइगर क्या हो जाता है, अड़ जाता है, टाइगर अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, बिल्ली भी आपने देखी होगी अड़ जाती है। जब बिल्ली अड़ जाए तो किसी की दम नहीं होती कि बिल्ली के साइड जाए, है ना। तो बिल्ली भी अड़ जाता है, शेर भी अड़ जाता है, और टाइगर भी, तो अड़ जाता है, सो अड़ से क्या बनेगा, 38, ठीक है। तो बिल्ली शेर और टाइगर अड़ जाते हैं, इसलिए इनके गुणसूत्र कितने हैं, 38, ठीक है। अब देखते हैं हाथी में कितने गुणसूत्र हैं, हाथी में आपको बताना है कितने गुणसूत्र हैं। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं, वीडियो को लाइक जरूर आपको करना है। दोस्तों हाथी में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 56 होते हैं। अब आपने 56 इंच का सीना सुना होगा दोस्तों, अब जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी कैसा होगा, हाथी जैसा होगा। हम बोलते ना कि हाथी जैसा शरीर लगाए हो और आप में कोई ताकत नहीं है, तो जिसका 56 इंच का सीना होगा उसका शरीर भी हाथी जैसा होगा, या फिर जो हाथी जैसा होगा उसका सीना 56 इंच होगा, ठीक है। तो 56 गुणसूत्र होते हैं हाथी में, ऐसा आपको याद करना है। अगला देखो दोस्तों, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं, मच्छर, मच्छर सभी लोगों ने देखे होंगे मच्छर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 6। यहां पर आ रहा ना 6, मच्छर, तो 6 आ रहा है यहां पर, तो मच्छर में 6 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 6। ये चीज याद रखनी ना, इस मच्छर में कितने गुणसूत्र हैं, 6 गुणसूत्र, ठीक है। मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, मक्खी, आपके घर में मक्खी रहती होंगी, आप बहुत सफाई करते फिर भी मक्खी रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह जाती हैं, एक दो मक्खी तो रह ही जाती हैं, आप कितना सफाई करो, कितनी दवाई डालो, एक दो मक्खी तो रह जाती हैं। तो मक्खी का जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा, 1-2 यानी कि 12, ठीक है, 1-2 मक्खी रह जाती हैं, इसको ऐसे याद करना है।
अगला है दोस्तों, मक्का में गुणसूत्र होते हैं मक्का, मक्का बोते ना आप लोग, मक्का खाते होंगे, भुट्टे खाते होंगे मक्का, और कई लोगों को तो अगर भुट्टे मिल जाएं तो बीसक भुट्टा खा जाएंगे। कितने खा जाएंगे? बीसक भुट्टे खा जाएंगे। तो मक्का में गुणसूत्र होते हैं कितने? बीस होते हैं, बीस। अब आप बीस भुट्टे जरूर खा जाएंगे, अगर आपको भुट्टे मिल जाए ना तो बीस भुट्टे खा जाएंगे। तो भुट्टे यानी कि मक्का, मक्का का भुट्टा, और इसमें गुणसूत्र होते हैं बीस। ऐसे याद करते जाना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और दूसरे वीडियो भी जरूर देखें इसी प्रकार के। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? सभी को पता है, पूछा जाता है कई बार, कई बार पूछा जाता है 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब कितने हो जाएंगे? तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, 46। 46 यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही, 23 जोड़े या फिर 46 इस प्रकार से आते हैं। अगला बताना है दोस्तों आपको, चिंपांजी और आलू में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने अगर कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, बाल विकास मनोविज्ञान में कोहलर का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो कोहलर क्या करता है कि उसको केला, केला उसको भूख लगती है तो उसको केला चाहिए, तो और केले के लिए वो अड़ जाता है। क्या हो जाता? अड़ जाता है। तो चिंपांजी और आलू, यहाँ पर चित्र में देखो, ये चिंपांजी है और ये चिंपांजी भी आलू खाना है इसको, ये अड़ गया है कि हमें तो आलू ही खाना है। कौन? चिंपांजी अड़ गया है कि आलू खाना है, अड़ गया है तो 48, ठीक है, और ये 48 साल का चिंपा है, ठीक है, ये लगभग 48 आलू खा जाएगा। कितने खा जाएगा? 48। तो 48 आलू खा जाएगा चिंपा, 48 साल का, ठीक है, और ये अड़ गया है आलू खाने के लिए। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा 48। चिंपांजी और आलू का गुणसूत्र कितना होगा? 48, ठीक है। अब देखें दोस्तों, घोड़ा का जो घोड़ा में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? घोड़े में बताना है आपको कितने गुणसूत्र होते हैं घोड़े में। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 64। जी हाँ दोस्तों, ये जो घोड़ा है ये अपने चार पांव से एक दिन में 64 किलोमीटर दौड़ता है ना। घोड़ा एक दिन में कितने किलोमीटर दौड़ता है? 64 किलोमीटर, आपको याद रख लेना, 64, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कबूतर में गुणसूत्र होते हैं कितने? होते हैं कबूतर में गुणसूत्र, प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 साल, है ना, 80। कितने गुणसूत्र होते हैं कबूतर में? 80 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि आजकल के जो 80 साल के बुड्ढे हैं वो भी ये गाना गाते हैं, कबूतर जा जा जा, आपने नाम सुने होंगे ना, तो 80 साल का बुड्ढा भी क्या गाता है? कबूतर जा जा वाला गाना गाता है। तो कबूतर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 80, क्योंकि 80 साल का बुड्ढा भी गाना गाता है कबूतर जा जा जा, इस प्रकार से याद करते जाना, ठीक है। ये देखो कसरत कर रहे हैं 80 साल के बुड्ढे। प्याज और कंगारू में गुणसूत्र होते हैं कितने? होते हैं 12 का उत्तर हमें बताना है। प्याज और गुणसूत्र कंगारू में कितने होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्याज यानी कि 16, है ना, 16 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रख लेना, प्याज और कंगारू में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र होते हैं। प्याज को ऐसे कर दो अगर, प्यार, प्यार हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्यार, आजकल के जो लड़का होते हैं वो 16 साल में भी प्यार करने लगते हैं और बार बार कंघा फेरते हैं अपने बालों पर, ठीक है। तो कंघा से कंगारू, कंगारू भी 16 साल, ठीक है, यानी कि 16 गुणसूत्र होते हैं कंगारू में, और प्याज में भी 16 गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार से याद कर लेना। अब देख लो, मेंढक में गुणसूत्र होते हैं, तो मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? मेंढक आपने देखा होगा कभी, कितने होते हैं? 28, 29, 26 या फिर 27। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कितने होते हैं? 26 होते हैं। आप अगर बरसात के समय में चाहो तो मेंढक, 26 मेंढक को ढक सकते हो, ढक मेंढक, मैं ढक 26 मेंढक को ढक सकते हो। तो मेंढक में गुणसूत्र कितने होते हैं? 26, है ना। गाजर में गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, गाजर, गाजर में कितने होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। और आप अगर गाजर का क्या खाते हो? गाजर का जूस पीते हो, जूस, तो आप भी
कितने साल के हो जाओगे। अब दोस्तों आपको बताना है गाजर में गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं गाजर में, आपने गाजर देखी होगी तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 18। कितने गुणसूत्र होते हैं, 18 गुणसूत्र होते हैं। अगर आप गाजर का जूस पीते हो तो आप चाहे 60 वर्ष के हो, कितने वर्ष के हो जाओगे, 18 वर्ष के हो जाओगे। चित्र में देखो ये सभी क्या करते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, और ये कितने वर्ष के लग रहा है आपको, 18 वर्ष जैसे लग रहा है, ठीक है। तो ये गाजर का जूस पीते हैं तो 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो गाजर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 18। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला देखो भालू में गुणसूत्र होते हैं, भालू, भालू आपने देखा होगा, भालू में कितने गुणसूत्र होते हैं, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा 74, ठीक है। अगर आपका शरीर भी भालू जैसा हो गया तो आप 74 साल के लगने लगोगे, है ना, जिसका शरीर भालू जैसा हो गया है वो 74 साल का लगेगा या 74, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको, आपका शरीर आपने देखा होगा कि 18 साल का है एक व्यक्ति, लेकिन उसका शरीर भालू जैसा हो गया तो वो कितने साल का लगने लगा, 74 साल का। तो 74 होते भालू में गुणसूत्र। अगला है दोस्तों गेहूं में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते गेहूं, आप लोग देखते होंगे आपके खेत में गेहूं बोए होते हैं, ठीक है, और गेहूं आपने देखे होंगे, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 42 गुणसूत्र होते हैं। एक बार मेरे दोस्त के खेत में गेहूं बोए थे और गेहूं में आग लग गई, मैंने उससे पूछा कि आपके कितने खेत में, कितने एकड़ खेत में आग लग गई, तो उसने कहा कि 42 एकड़, कितने 42 एकड़ खेत में मैंने गेहूं बोया था और उसमें क्या लग गई, आग लग गई। तो गेहूं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 42, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। अब दोस्तों आपको बताना है खरगोश में गुणसूत्र होते हैं तो कितने होते हैं। दोस्तों गांव में खरगोश को बोला जाता है खरा, क्या बोलते हैं, खरा, ठीक है। अब देखना खरा वही उतरेगा, खरा वही उतरेगा रेस में, रेस में खरा वही उतरेगा जो अपने चार चार पांव से दौड़ेगा, चार चार पांव से दौड़ेगा वही खरा उतरेगा, और खरा को खरगोश कहा जाता है। तो गुणसूत्र कितना होगा, 44, खरगोश का गुणसूत्र 44, चार चार अपने चार चार पांव से दौड़ेगा खरा, ठीक है। तो ये खरा उतरेगा और खरगोश का जो गुणसूत्र होगा वो 44 हो जाएगा, चार चार, ठीक है। अगला दोस्तों आपको बताना है, आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका कमेंट में उत्तर आपको लिखना है, ध्वनि तीव्रता का मात्रक है तो क्या है, न्यूटन है, ओम है, केल्विन है या फिर डेसिबल है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों ऐसे ही रोज नए नए ट्रिक की वीडियो आपको देखते रहना है, आपकी परीक्षा के लिए, आपकी नौकरी के लिए हमारा चैनल सहयोगी बने, इसके लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, 9098609291 ये नंबर दिया है, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, अगर 5% भी आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।